भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले किसानों ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान गोरखपुर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में मंडलायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रणजीत सिंह, महेश्वर सिंह, रामचंद्र सिंह, डॉक्टर पतिराज निषाद, सुरेंद्र सोलंकी, राधेश्याम राम नरेश, हरिश्चंद्र, रामेश्वर साहनी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने कहा, सरकारी है 20 रिक्शा चालक है, 20 ही को तनख्वाह दूना होता है, उनके तनख्वाह के लिए हर जो भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु मतलब सब लोग सक्रिय हो अनदेखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग को आप सहयोग है सब कुछ है। सुरेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर। हम किसानों का ये तमाम प्रकार की समस्या है, उस समस्या को समाधान कराने के लिए हम लोग काफ़ी दिन से गोरखपुर मंडल में कई जगह हम लोग धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग मजबूर होकर के आज कमिश्नर कार्यालय पे हम लोग धरना के लिए, अनिश्चित धरना के लिए हम लोग बैठे हैं।